ND94, ये जो रास्ता देख रहे हैं ये दिल्ली के उस्मानपुर गांव का है। ये रास्ता इतना अहम है कि जब सिग्नेचर पुल बना, इसी से ही सिग्नेचर पुल का सारा कच्चा माल सिग्नेचर पुल के की तरफ जाता था, इसी रास्ते से। आज ये रास्ता सारा का सारा बंद हो गया है क्योंकि यमुना में बाढ़ आ चुकी है। इस बाढ़ के कारण ये देख रहे होंगे आप रास्ता, ये सारा रास्ता बंद हो चुका है यमुना में बाढ़ के कारण। आपको सिग्नेचर ब्रिज भी यहां से दिखाई दे रहा होगा। और इस ये रास्ता शॉर्टकट रास्ता है सिग्नेचर ब्रिज के जाने के लिए, यहीं से ही सीधा नीचे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ रास्ता गया हुआ है, जो पुल के नीचे से निकलते हैं और सीधा वजीराबाद फ्लाईओवर के पास निकलते हैं। आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में, वीडियो में, यहाँ एक उस्मानपुर गांव भी है, जो गांव भी के लोग इसी के पास रहते हैं, इसी जगह। और जो सीधा आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये शास्त्री पार्क की तरफ रास्ता गया है, खजूरी मेन हाईवे है, यहाँ पर पुल का काम चल रहा है ऊपर। और देख रहे होंगे इस समय कितनी गंदगी है, क्योंकि बाढ़ आ गया, सफाई कर्मचारी वाले इधर आ नहीं पाते, आ नहीं रहे, जिसकी अनदेखी की वजह से एक इतना गंदा हुआ है यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये सिग्नेचर ब्रिज की तरफ गया हुआ है, और इस रास्ते से सारा कच्चा माल, जब सिग्नेचर ब्रिज तैयार हुआ था तब सारा कच्चा माल इसी रास्ते से जाता था। देखिए सामने, देखिए सिग्नेचर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस रास्ते ने सिग्नेचर पुल में पुल बनाने के लिए। क्योंकि अगर सिग्नेचर ब्रिज के लिए मेन रोड से रास्ता पानी समान जाता तो काफी ट्रैफिक हो सकता था यहाँ पर। देखिए ये गांव बसा हुआ है, भैंसे बंधी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई है, यहाँ लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाढ़ ने इनका जीवन